Hello friends, welcome to Sri's Corner. Today we are going to make a South Indian dish with drumsticks. It's a drumstick curry using coconut. So let's see how it makes. तो आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रमस्टिक की यानी फली की सब्जी, वो भी साउथ इंडियन स्टाइल में बन रहे हैं। साउथ इंडियन में हमेशा हम ज़्यादा कोकोनट यूज़ करते हैं, तो आज हम कोकोनट यूज़ करके ही ऐसी सब्जी बनाएंगे। इसके लिए ऑनियन, टमाटो, ड्रमस्टिक, जिंजर, थोड़ा सा जीरा, दो मिर्ची और ये सौंफ है और दालचीनी है। ये पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे, और कोरिएंडर पाउडर, मिर्ची पाउडर और इमली, नमक और हल्दी। और ये है कटोरी में, मैं कोपरा की बुरा ही यूज़ करूँगी क्योंकि इस तरफ ज़्यादा कोपरा के बुरा मिलते हैं, तो आप लोगों को भी बनाने में आसानी होंगे, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। इससे भी बनता है, और कच्चा नारियल है ना, उसको तोड़ के फिर पीस के इसी तरह फ्राई करके भी हो जाता है। जो अभी मैं तवा पे है ना, वो जो कोपरा का बुरा को ऐसे ही फ्राई करेंगे, धीमी आंच पे रखना, फिर ही फ्राई करना, नहीं तो पूरा का पूरा जल जाएंगे। और साथ में खड़ा होके ऐसे ही चम्मच चलाते रहना, अदरवाइज़ वो पूरा जल जाएंगे। और फिर इसमें थोड़ी सी ब्राउनिश होने के बाद हम चिल्ली पाउडर है, आप कश्मीरी मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं, मैंने ये घर में ही बनाया हुआ है। चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, वो टमारिंड थोड़ा सा, और कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, ये भी ऐड करो ताकि इसमें ना अच्छे से भुज जाए और बहुत वो कच्चापन का खुशबू निकल जाए और अच्छे से कलर भी आएंगे। इससे क्या होता है, थोड़ा सा वो भी फ्राई हो जाते हैं ना, तो हमारी करी में थोड़ा सा ना अच्छा कलर आएंगे, ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन कलर आ जाएंगे और दिखने में भी अच्छा लगेंगे, वो आपको लास्ट में दिखेंगे। और ऐसे करके हमको थोड़ा ठंडा होने के लिए एक साइड में रखना चाहिए, इसको एक ठंडा होने साइड में रख लीजिए, बाद में हम पीसेंगे इसको। और ठंडा होने के बाद मैंने पीस लिया है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं यूज़ करना, पूरा ऐसे ही पीस लीजिए और जो चिपक रहे उसको निकाल के फिर पीस लीजिए। अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो रहे तो ही थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, तो टेस्ट ठीक रहेगा, बट और टेस्टी लगता है बिना पानी का पीसेंगे। तो आपको पीसना है तो आप थोड़ी पानी यूज़ कर सकती हैं। और इसके बाद तेल गरम होने के बाद हमको राई डालना है, उसके बाद ड्राई चिल्ली डालना है, उसके बाद सौंफ डालना है, उसके बाद दालचीनी डालनी है और जिंजर, उसके बाद थोड़ी सी तलने के बाद ऑनियन डालना, ऑनियन डालने के बाद थोड़ी सी तलो, फिर करी लीव्स है तो वो डाल दो, उसके बाद टमाटो डालो, ग्रीन चिल्ली डालो और वो ड्रमस्टिक भी डालो, पूरा उसमें डाल के थोड़ी देर हिला के ढक के रखना, थोड़ी उसके अंदर से जो पानी निकल के उसमें थोड़ी देर ऐसे ही पकने देना। पकने के बाद थोड़ी देर ढक के ही रख लीजिए ताकि वो टमाटर भी पानी छोड़ता है, ऑनियन भी पानी छोड़ता है। थोड़ी देर ढकने के बाद हम इसको अच्छे से पीसेंगे। थोड़ी देर ढकने के बाद हम इसमें हल्दी और नमक ऐड करेंगे, वो पानी उसी में ही रह के थोड़ी सी पक गया, और फिर अच्छे से हिलाते रहिए। और उसके बाद हम इसमें जो पेस्ट हमने अभी पीसा है ना, वो नारियल का, वो मतलब कोपरा का बुराई यूज़ किया उसी का, वो पेस्ट में इसमें डालेंगे। बिल्कुल पानी मैंने यूज़ नहीं किया, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें डाल लीजिए और फिर अच्छे से चम्मच भी चला लीजिए। और थोड़ी देर चलाने के बाद फिर से एक ग्लास पानी डालिए क्योंकि हमको ग्रेवी टाइप में बनाना है, तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। मैंने दो डेढ़ ग्लास पानी, 1.5 ग्लास पानी यूज़ किया, और उसके बाद उसको ढक के रख लीजिए, थोड़ी देर पकने दीजिए, तब बन जाएंगे हमारी ड्रमस्टिक की करी। ये हम राइस के साथ खाते हैं, राइस, ड्रमस्टिक करी और थोड़ी सी दही, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत टेस्टी लगता है, आप ज़रूर एक बार बना के देखिए, अपने बच्चों को और घर के सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगे, राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। राइस, दही और
ड्रमस्टिक की करी बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये थोड़ी देर और ढक के रख लीजिए और बन गया आपकी ड्रमस्टिक की करी। ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है। और ये जो इमली मैंने दिखाया ना, अगर इमली का स्वाद ज़्यादा या ज़्यादा है तो ठीक है, ज़्यादा नहीं मतलब बराबर है तो ठीक है, सॉरी अगर कम है तो आप इमली को डाल सकते हैं, इमली का जूस थोड़ा सा ऊपर से हम ऐड कर सकते हैं। और आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।